सपा का मंच कर दी बीजेपी की तारीफ। स्टेज से रामगोपाल ने कार्यकर्ताओं को बता दी औकात। क्या अखिलेश के आगे प्रधानमंत्री का टैग लगना इतना आसान? क्या आपको भी लगता है अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री बनना इतना आसान? अरे ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव की जयंती पर कहा। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही कि हर कोई सोच पर पड़ गया। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ तो बीजेपी की तारीफ भी कर दी। ये सब हुआ कैसे? चलिए आज आपको इस खबर में इन्हीं सवालों का जवाब दें। दरअसल 22 नवंबर को सपा के संस्थापक यानी कि मुलायम सिंह यादव की जयंती और इस अवसर पर सफाई में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान सभा में खड़े कार्यकर्ताओं को सपा सांसद रामगोपाल यादव नसीहत देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो लोग यहां खड़े हुए हैं उनकी वजह से ही पार्टी चुनाव में हार जाती है। दरअसल रामगोपाल यादव जब सभा में बोल रहे थे तो उस वक्त पीछे की ओर बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली पड़ी, जबकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मंच के पास आकर खड़े हो गए। इस पर रामगोपाल यादव ने कहा कि आज यहां बीजेपी के लोग जो होते तो कोई कुर्सी खाली नहीं हुई, पीछे तक लोग भरे हैं। इनको बार बार समझाया गया है कि कल प्रेस वाले लिखेंगे कि कुर्सियां खाली पड़ी थी, जबकि कुर्सियों से ज्यादा लोग यहां खड़े हुए। रामगोपाल यादव ने कहा, मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानना, यहां खड़े लोग हैं उन्हें लेकर जो कुर्सी पर बैठे लोग हैं उनकी धारणा है कि इसी तरह के लोगों की वजह से ही हम चुनाव हार गए। ये सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए डिस्टर्ब करते हैं, पीछे कुर्सी खाली है उन पर बैठेंगे नहीं, एक वोट बढ़ाने का काम नहीं करेंगे। इनमें से कोई को खुद वोट नहीं देंगे, लेकिन बात बहुत लंबी चौड़ी कर दी। ये लोग किसी भले आदमी को अखिलेश यादव के पास नहीं जाने देंगे। अभी गाड़ी से निकलेंगे तो ऐसे घेर लेंगे कि गाड़ी पिचक जाएगी। सपा सांसद ने इस दौरान पुरानी दौर का जिक्र करते हुए कहा, नेताजी ने कहा से शुरू किया और उस वक्त हम साइकिल से जाते थे। जसवंत नगर आसपास के इलाके में ऐसा कोई गांव नहीं था जिसके घर हम नहीं गए। सालों तक साइकिल से ही चुनाव प्रचार करते थे, लेकिन आज एक सेक्टर बना दो तो गाड़ी चाहिए, तब भी घर नहीं जाते। रामगोपाल यादव ने कहा कि हम बीजेपी से पैसे के बल पर मुकाबला कर लेंगे। सारे देश का पैसा उनके पास है, सारी मशीनरी उनके पास है, और उद्योगपति को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? अरबों रुपयों ट्रक से भर कर पैसा आ जाएगा। एक क्षेत्र में हराने के लिए तो हम पैसों से बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, हम केवल कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी को हरा सकते, क्योंकि हमने साइकिल भी चलाकर देखा और एक गाड़ी से भी चुनाव लड़कर देखा है। इस मौके पर अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के प्रधान महासचिव रामगोपाल यादव ने यह भी दावा किया कि अगर सपा लोकसभा चुनावों में 40 सीटें जीत जाती है तो उनकी पार्टी अखिलेश को प्रधानमंत्री बनाने की स्थिति में। इस मौके पर मुलायम के एक और भाई शिवपाल यादव भी उन नेताओं में शामिल जिन्होंने अखिलेश की ताजपोशी कराकर सपा संस्थापक के सपने को पूरा करने की बात की। शिवपाल यादव ने काफी भावुक आवाज में कहा कि अगर आप नेताजी की जयंती पर फैसला करते हैं तो अखिलेश यादव निश्चित तौर पर हम सबके सपनों का पूरा करने में सफल होंगे और यहाँ जो कोई भी है सबको फैसला करना चाहिए। उन्होंने लोगों से हाथ उठाकर इस पर समर्थन मांगा। आपको क्या लगता है कि क्या अखिलेश का प्रधानमंत्री बनना इतना आसान है जो रामगोपाल यादव ने अपने बयान पर कहा है? रामगोपाल ने जिस तरह का बयान दिया है उसको लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बने।